हरिद्वार पहुंचे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। दो दिवसीय राष्ट्रपति का ये दौरा महत्वपूर्ण दौरा है। पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दो दिन का दौरा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विश्वविद्यालय पहुंच चुके हैं और सीधे आपको लिए चलते हैं राष्ट्रपति क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। और बाद में उनका एक थैंक्स लेटर भी आया कि मुझे इन सारी जो व्यवस्था की गई उसके लिए मैं भारत का धन्यवाद हूँ। और उन्होंने अंत में एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था, अंग्रेजी में कहा था कि योगा इज द बेस्ट गिफ्ट दैट इंडिया हैज गिवन टू द एंटायर ह्यूमैनिटी। इसके अतिरिक्त मैं एक जानकारी और भी साझा करना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि अरब योग फाउंडेशन की संस्थापक सुश्री नौफ मारवाई को हाल ही में सऊदी अरब सरकार ने योग के प्रचार प्रसार की विशेष जिम्मेदारी दी। सुश्री मारवाई को 2018 में योग के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए राष्ट्रपति भवन में मुझे पद्मश्री से सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं मानता हूं कि योग सबके लिए है और योग सबका है। पतंजलि विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनसे भारतीय ज्ञान विज्ञान विशेषकर आयुर्वेद तथा योग को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विश्व पटल पर गौरवशाली स्थान प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। एक अध्ययन के अनुसार 18वीं शताब्दी तक विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 1/4 से अधिक था। यह उल्लेखनीय है कि उस समय हमारे देश में हजारों गुरुकुल विद्यमान थे और सैकड़ों उच्च शिक्षण संस्थान प्राच्य विद्याओं में पठन पाठन एवं अनुसंधान कर रहे थे। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का सम्मान विश्व समुदाय द्वारा किया जाता है। मैंने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान देखा है कि अनेक देशों में भारतीय विषयों से जुड़े अध्ययन केंद्र सक्रिय हैं, विशेषकर इंडोलॉजी का अध्ययन विश्व के अनेक संस्थानों में किया जा रहा है। आधुनिक विज्ञान के साथ हमारी परंपरा की प्रासंगिक ज्ञान राशि को जोड़ते हुए भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का जो लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने निर्धारित किया है उस मार्ग पर पतंजलि विश्वविद्यालय अग्रसर है। आपके विश्वविद्यालय के कुल गीत में इस शिक्षण संस्थान का वर्णन पूरा संस्कृति और नवयुग का प्रतिष्ठान के रूप में किया गया है जो सर्वथा सार्थक है। परंपरा व आधुनिकता के संगम के इस प्रयास के लिए मैं आप सभी की सराहना करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके शिक्षण संस्थान में स्वदेशी उद्यमिता और रोजगार के साधनों को बढ़ावा देने की सोच पर आधारित शिक्षा द्वारा भावी पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार किया जा रहा है। मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि पतंजलि समूह के संस्थानों में भारतीयता पर आधारित उद्यमों और उद्यम पर आधारित भारतीयता का विकास हो रहा है। आज से लगभग 3000 वर्ष पहले अथ योगानुशासनम इन दो सरल शब्दों से आरंभ करके महर्षि पतंजलि ने छोटे छोटे सार गर्भित वाक्यों के माध्यम से योग विज्ञान के विषय में उपलब्ध समस्त जानकारी को जिस प्रकार एक सूत्र में पिरोया वह समूचे विश्व समुदाय को भारत का उपहार है। ऐसे महर्षि पतंजलि के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय के आप सभी विद्यार्थियों को समग्र व्यक्तित्व एवं चरित्र का आदर्श प्रस्तुत करना है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आप यहां पर सुन रहे थे, पतंजलि विश्वविद्यालय में वो पहुंचे हुए हैं। योग किस तरीके से छात्र छात्राओं के लिए जरूरी है उसके बारे में उन्होंने तमाम बातें कही। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और उत्तराखंड के चुनाव प्रचार प्रहलाद जोशी से भी
मुलाकात की। मुख्यमंत्री की यह मुलाकात केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड दौरे को लेकर थी। और चलिए अब बात बड़ी खबर की करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां गैरसैंड को लेकर हरीश रावत ने सरकार पर तंज कसा है। विधानसभा सत्र को लेकर सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। भरारी सैंड में सरकार विधानसभा सत्र नहीं करना चाहती है। हरीश रावत का यह कहना है, सरकार को ठंड लग जाती है, कांग्रेस को मौका मिलेगा तो भरारी सैंड राज्य की राजधानी होगी। हरीश रावत का यह ट्वीट सामने आया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा सत्र को लेकर सरकार पर हरीश रावत ने निशाना साधा है। जब भी चुनाव होते हैं, हर बार गैरसैंड के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है। रवि कैनपुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, अगर देखें तो गैरसैंड को लेकर हर बार चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश होती है। इससे पहले भी इस मुद्दे को बार बार उठाया जा चुका है और एक बार फिर से अब हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। निश्चित तौर पर गुंजन, देखिए अब 2 महीने बाद उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जो गैरसैंड का मुद्दा है वह फिर से गरमाने लगा है। लेकिन इससे पहले जो सरकार की अगर बात करें तो अभी तक 3 तारीखें तय हो चुकी हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी में जो है विधानसभा सत्र को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि अब ये भी माना जा रहा है कि ये सत्र अब देहरादून में होगा बल्कि वहां नहीं होगा। और इसी पर तंज कसते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपना ये ट्वीट किया है। उन्होंने इसमें लिखा है कि भराड़ी सैंड में विधानसभा सत्र सरकार कराना ही नहीं चाहती और उन्होंने अपने तंज में ये भी लिखा कि क्योंकि सरकार को वहां पर ठंड लगती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उन्होंने आज पूर्व अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 25,000 करोड़ के पैकेज की वहां पर घोषणा की थी, उस पर भी उन्होंने तंज लिखा। उन्होंने कहा कि पैकेज कहीं धरती पर नजर नहीं आता और ऐसे में पूरी तरीके से पूर्व सीएम हरीश रावत भाजपा को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है उनके ट्वीट में वो ये है, उन्होंने ये लिखा है कि अवसर मिलेगा तो भराड़ी सैंड को राज्य की राजधानी बनाएंगे, क्योंकि लगातार ही गैरसैंड भराड़ी सैंड को राज्य की राजधानी बनाने का मुद्दा शुरुआत से ही रहा है जब से उत्तराखंड राज्य बना। लेकिन अभी भी ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक मुद्दा ही रहा है। सरकारें यहाँ पर गई, सत्र कराए और वापस आ गई। लेकिन इस बार भी जहाँ सत्र को लेकर अगर बात करें तो कई तारीखें बदली गई, वहीं इस बार जो हरीश रावत ने ये अपने ट्वीट में बड़ा महत्वपूर्ण लिखा है कि अवसर मिलेगा तो भराड़ी सैंड को राज्य की राजधानी बनाएंगे। बिल्कुल रवि, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि हमने देखा है कई बार इस मुद्दे को उठाया जाता है, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, मुद्दा हर बार उठाया जाता है और हमेशा इस पर सियासत भी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, गैरसैंड को लेकर हरीश रावत ने एक बार फिर से सरकार पर तंज कसा है। विधानसभा सत्र को लेकर इस बार सरकार पर निशाना साधा है। यहां पर हरीश रावत ने ट्वीट करके निशाना साधा है, भरारी सैंड में अगर सरकार होती तो हम राजधानी बना देते, ये बात उन्होंने कही है। ये सबसे बड़ी बात है, उनका कहना है कांग्रेस को अगर मौका मिलेगा तो भरारी सैंड राज्य की राजधानी होगी। आगे बढ़ते हैं। देवस्थानम बोर्ड पर सब कमेटी सरकार को अब रिपोर्ट सौंपेगी। कल तक कमेटी सरकार को रिपोर्ट को सौंप सकती है। मंत्रिमंडल की सब कमेटी रिपोर्ट का अध्ययन भी करेगी। हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देवस्थानम बोर्ड पर सब कमेटी सरकार को अब एक रिपोर्ट सौंप सकती है। हाल ही में पुष्कर संघामी का बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द इस पर फैसला हो सकता है क्योंकि तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी लगातार सामने आ रही है। अब हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा और जल्द से जल्द उम्मीद की जा रही है कि जो नाराजगी अभी तक तीर्थ पुरोहितों की सामने आ रही है उसे दूर करने की कोशिश सरकार लगातार कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम में आज आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल रोजगार गारंटी यात्रा की शुरुआत करेंगे। बद्रीनाथ चौक से रोजगार यात्रा की शुरुआत होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नल अजय कोठियाल पहुंचे हैं बद्रीनाथ विधानसभा में। आपका ये बड़ा कार्यक्रम जिसकी ये तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपकी रोजगार गारंटी की यात्रा है। सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार चुनावी मोड में हैं, सक्रिय नजर आ रही हैं और इसी बीच बद्रीनाथ विधानसभा में आपका ये बड़ा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को देहरादून आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की 4 दिसंबर को देहरादून में होने वाली रैली में भारतीय जनता पार्टी ने 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। पार्टी जोर शोर से तैयारियां करने में जुट गई है। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री का दौरा इस वक्त में कई मायनों में खास हो जाता है।
मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम, चूंकि बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास होना है, बहुत सारी योजनाएं हमारी लोकार्पण होने, जिसमें बहुत सारी बड़ी योजनाएं हैं सड़कों के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, तो उसी कार्यक्रम में आ रहे हैं और वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं का उत्साह इतना जबरदस्त है कि लाखों से ज्यादा लोग इस रैली में जुटने वाले हैं, लाखों की भीड़ इस रैली में रहने वाली है, बड़ी भीड़ रहेगी और कार्यकर्ताओं में जनता में जो उत्साह है, तो मुझे उम्मीद है कि ये रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी, महारैली होगी। तो कार्यकर्ताओं के उत्साह और जनता का जिस प्रकार से मोदी जी के प्रति एक आदर का भाव है, खासतौर पर उत्तराखंड को लेकर जिस प्रकार उन्होंने 5 साल में उत्तराखंड को बहुत बड़े बड़े कार्य दिए हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनाव का जो आगाज होगा बहुत बड़ी रैली के रूप में शुरुआत करेंगे। पार्टी में बहुत अधिक उत्साह है, स्थान स्थान पर योजना की बैठकें हो रही हैं, 1 लाख की संख्या जुटाने का लक्ष्य है। देहरादून की ब्रज सभा होगी और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के आगमन से इस सभा से ही चुनाव का आगाज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनावी मौसम में अब भाजपा और कांग्रेस सैनिकों के बहाने एक दूसरे पर हमलावर। सदन में उपनेता करण मेहरा ने सैनिकों के बहाने भाजपा पर निशाना साधा। मेहरा ने कहा कि कांग्रेस आजादी के बाद से सैनिकों का सम्मान करती आई है। मेहरा ने यह भी कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल हनुफ ने राजस्थान से आकर देहरादून में जो सैनिक धाम बनाया था उसे भाजपा सरकार ने खुर्द-बुर्द कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है चुनावों को देखते हुए जिस तरीके कदम उठा रही, मैं तो जो अभी सैनिक सम्मान है उसमें एक प्रश्न आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल हनुत, जिनको हनुत साहब के नाम से लोग पुकारते हैं, हर सैनिक उनको बड़ी इज्जत से देखता है। पाकिस्तान के वॉर में जिस तरीके से टैंक रेजिमेंट को पाकिस्तान के अंदर ले जाके पाकिस्तान को युद्ध हराने का काम जनरल हनुत ने किया था, उनका सैन्य धाम जो उनका अपना धाम था, जिन्होंने अपना राजस्थान के रजवाड़े परिवार को छोड़ के देहरादून में अपना आवास बनाया था, जिसमें उनकी रेजिमेंट हर साल आके कार्यक्रम करती थी, उनके उस पूरे आश्रम को खुर्द-बुर्द सरकार ने किया है। विधानसभा में मेरे द्वारा इस प्रश्न को उठाया गया और उसके बाद एश्योरेंस कमेटी के द्वारा भी इसमें कई बार सरकार को और प्रशासन को निर्देश दिए गए, लेकिन आज तक जनरल हनुत का जो अपमान हुआ है उस पर कोई भी कदम सरकार ने नहीं उठाया। तो ये उनकी नियत पे मेरा प्रश्न है, कोई भी सैनिक धाम बनाने से पहले, इस तरह की यात्रा निकालने से पहले, वो पहले जनरल हनुत के ऊपर के जो आश्रम है उस पर जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन ने किया उस पर पहले जनता को और आप लोगों को जवाब दे। सैनिक कल्याण यात्रा को लेकर भाजपा और कांग्रेस में बयानबाजी हो रही है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने सैनिकों के हित में कोई काम नहीं किया है। कांग्रेस सत्ता से बाहर जा रही थी तो 500 करोड़ का पैकेज उन्होंने वन रंग वन पेंशन के लिए दिया, और जब हमने वन रंग वन पेंशन लागू की 20,400 करोड़ रुपया खर्च हुआ, लेकिन हम वन रंग वन पेंशन को लागू किया, तो इससे पता लग जाता है कि कांग्रेस सैनिकों का कितना सम्मान करती है। वहीं हल्द्वानी के रामलीला मैदान में शहीद सम्मान यात्रा के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और बंशीधर भगत शामिल हुए। इस दौरान सैनिकों के परिवार वालों को सम्मानित किया गया। दरअसल देहरादून में सैन्य धाम बन रहा है, जिसके लिए शहीद सैनिकों के आंगन की मिट्टी को इकट्ठा कर देहरादून तक पहुंचाया जा रहा है। पहले तो पूरा देश और उसमें उत्तराखंड विशेष रूप से सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको एक और धाम की संज्ञा दी है कि 4 धामों की जगह यहाँ 5 धाम है, एक सैनिक धाम भी है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ इतने अधिक मात्रा में देश सेवा में हैं लोग कि मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से कहीं इतने नहीं होंगे। आज सरकार ने धामी जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया है, बहुत अच्छी बात है। जो हमारे सैनिक हैं उनके परिवारों को सम्मानित किया जा रहा है। आज हल्द्वानी में भी ये कार्यक्रम हो रहा है, 7 तारीख को इसका समापन होगा। इसका प्रारंभ जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने किया था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर चल रहे विरोध के बीच पुरोहितों ने अखाड़ा परिषद से समर्थन मांगा है। इसी को लेकर पुरोहितों ने अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी से उनके मठ में मुलाकात की। इस दौरान पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ चल रहे आंदोलन के लिए संतों से समर्थन मांगा है। एक तरफ सीएम धामी ताबड़तोड़ शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं, तो उनकी पत्नी इन दिनों चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी भाजपा के घर घर भाजपा हर घर भाजपा अभियान में शिरकत कर रही हैं। इसी के मद्देनजर उन्होंने नगरा तराई इलाके में चुनाव प्रचार किया। हर हर भाजपा,
और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।